आर्य कन्या विद्यालय में वैद्य स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज के सानिध्य में जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। वहीं आयुर्वेदाचार्य ने बताया कि उनके द्वारा हर वर्ष महाराज जी के जन्मोत्सव पर समाज कल्याण हेतु इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। रविवार को श्री श्री 108 मोहन गिरी महाराज के 134वें जन्मोत्सव के अवसर पर गौशाला मार्केट में के आर्य कन्या विद्यालय में वेद स्वामी दयानंद गिरी आयुर्वेदाचार्य के सानिध्य में गरीब महिलाओं और जरूरतमंद लोगों को ठंड से बचाने के लिए एक रजाई और एक कुर्ता पजामा दिया गया। वही दयानंद महाराज ने बताया कि उनके गुरु के 134वें जन्मोत्सव पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उन्होंने गरीब जरूरतमंद लोगों में रजाई वितरण की है, जिसमें भिवानी के सभी लोगों का सहयोग रहता है। हमारे भाई हैं, निर्धन हैं, इनको भी रजाई चाहिए। जब हम उड़ते हैं तो इनको भी सर्दी लगती है, इसलिए हम 20 दिन लगाते हैं, घर घर में देखते हैं। जिस घर में बिस्तर नहीं है उसका नाम नोट करते हैं। इनमें एक भी पात्र नहीं, सारे पात्र हैं। ऐसे ऐसे हैं जिनके घर में बिस्तर नहीं, बोरी टांगते हैं, बोरी बिछाते हैं। तो मेरे को ये तड़पण है और गुरु जी का आदेश है, तो मैं तो आदेश का पालन करने के लिए सेवा में लगा हुआ। जो ये वैद्य स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज के द्वारा रजाई वितरण समारोह किया जा रहा है, उसमें मोहन गिरी जी महाराज जो स्वामी जी के गुरु रहे हैं उनके जन्मोत्सव पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसमें काफ़ी लोगों के सहयोग से बहुत बड़ी संख्या में रजाई वितरण किया जा रहा है। और मुख्य रूप से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अपने गुरु को ये एक समर्पित भाव है जो उनके जन्मदिन पर जरूरतमंदों को जरूरत के मुताबिक जो रजाई हो, चाहे खाना हो, चाहे दवाई हो, या जो भी ब्लड डोनेशन हो, हर तरह से साल में कम 5-6 प्रोग्राम इस तरह के किए जाते हैं जो वैद्य जी के माध्यम से किए जाते हैं। और इसमें खास रूप से सभी गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग होता है। रविवार को डिप्लोमा